खबर की ओर, कपूरथला के सब डिवीजन सुल्तानपुर लोधी में कॉलेज से आ रहे दो छात्रों पर हुए जानलेवा हमले में खबरें प्रकाशित तो होने और घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल के बाद सुल्तानपुर लोधी पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने उक्त घटना में कानून व्यवस्था को भंग करने व क्षेत्र का माहौल खराब करने के आरोप में ASI हरजिंदर सिंह के बयान पर 5 आरोपियों को नामजद करने के साथ साथ 10 से 15 अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज कर ली है। इसकी पुष्टि SHO हरगुरुदेव सिंह ने भी की है। सुल्तानपुर लोधी के SHO इंस्पेक्टर हरगुरुदेव सिंह ने बताया कि पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मिला था और साथ ही मीडिया में प्रकाशित खबरों को देखते हुए मालूम हुआ कि घटना में युवकों पर एक गुट द्वारा तेज धार हथियार से हमला किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। SHO ने कहा कि पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। कपूरथला से अजय सब्रवाल की रिपोर्ट। वक्त करीब 3 बजे स्कूली बच्चा दे आपस में तकरार होया सी, जिस विच दो लड़के जेड़े एक अभिराज पाल सिंह अते एक लड़का होर जेड़ा वो इंजर्ड होया सी, जो अजे भी जेड़े इलाज दी ना, जिन्हां लड़कियां ने बदमाशी की जां अनुशासन भंग किया उन्हां दे प्रति तुरंत कार्रवाई करते हुए असी अपने ASI हरजिंदर सिंह दे बयान पर ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 115(2), 118(1), 194(2), 351(3), 191(8) ਅਤੇ 190(BNS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਮਨ, ਗਗਨ, ਮਿੱਠੂ, ਦਮਨ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਰ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ